पर फिर भी भाई बहुत मजे आ रहे हैं ट्रेन की जर्नी में, अताई करते हुए जा रहे हैं सफर में पूरी, मतलब उन दोस्तों से भी बात कर रहे हैं जो आउट हुए, उनकी गलतियों को भी बता रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे गलती की। हाँ भाई, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस सफर को। कुछ एंजॉय नहीं चल रहा भाई। नहीं नहीं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने ग्रुप बनाया है अभी अभी, जो जो हम पूरा बैच है हमारा, और कुछ बंदे मैसेज कर रहे हैं मैं आउट हो गया, कुछ बताओ मेरी कहाँ गलती रह गई। राहुल भाई सबको गाइड करे जा रहे हैं। हमारा पूरा बैच था 30 का, तो 30 में से एक 25 चेस्ट नंबर था भाई, उसको बड़ा दुख हुआ। वो मतलब जिस दिन से हम पहुंचे ना, वो मन ही मन हमें गालियां दिए जा रहे हैं, भैंसो रिकमेंड आ गए, हमारी सीट खा गए। लेकिन भाई मैं उसको बहुत अच्छी तरह समझा रहा कि डिजर्विंग कैंडिडेट कैन नेवर बी रिजेक्टेड। भाई हम तीनों थे प्रीवियसली रिकमेंडेड, हम हो गए, हम प्रीवियसली रिकमेंडेड है, हमने बहुत एफर्ट मारे, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर उस वाले के दिमाग में बस यही है कि हम उसकी सीट खा गए। अंतिम पल तक जब मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ, जब मैं रिकमेंड हो गया, तो उसका मुंह भाई मतलब ऐसा लग रहा था वो मर चुका है, जिंदा लाश की तरह बैठा था, पर मुझे उसमें बहुत दया आई उसमें। हाँ, उसका शक्ल पूरा फेंटेड हो गया था, भले ही हम मैरिक में बहुत बकचोदियां करते थे उसको, पर वो था ही पता नहीं, अलग ही मेंटेलिटी का बंदा था। वो कहता था आज तक मैंने जितनी कॉन्फ्रेंस देखी है, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जीटीओ में, पर इस बार तुम थे, तुम्हारी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। देखो जेंटलमैन, हम पे ये आरोप लगाया जा रहा है। हमने उसके हाथ भी नहीं पकड़े, फिर भी पता नहीं वो डिमोरलाइज होता जा रहा था। गाइस वन मोर थिंग, इस भाई की इंस्टाग्राम आईडी दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, भाई जरूर कॉन्टेक्ट करे। yes. सच्चा बंदा, दिल का बंदा है मैं एकदम। भाई मेरी इंस्टा आईडी अभी बता दूं मैं तने, इट्स राहुल माचरा, ITZ_ राहुल माचरा MACHRA। और मैं तुम्हें मेरा SSB का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि भाई बिल्कुल नेचुरल रहो। सब बंदे कहते हैं जेन्युइन रहो, बी योर सेल्फ, ये करो वो करो, ये बनाते हैं। जेन्युइन बात ये है कि मजे लो पूरे सफर के एकदम, कोई प्रेशर नहीं लेना एकदम। भाई SSB एक जस्ट प्रोसेस है भाई तुम्हारी, मतलब वो तुम्हें ये नहीं बता सकते तुम्हें क्वालिटी है कि नहीं, बस तुम्हें निखारना है, वो एक्सप्रेस करना है यार। वो बात होती है ना एक्सप्रेशन वाली, है ना पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये सबसे तगड़ी क्वालिटी है। अगर तुम खुद को एक्सप्रेस बढ़िया तरह कर पाओगे ना, बढ़िया। और ये जरूरी नहीं है दैट इंग्लिश इज वेरी कंपलसरी इन द इंटरव्यू। भाई एकदम पता है, इंटरव्यू मेरा 10 मिनट हिंदी में चला था, वो पूछे जा रहा, मैं हिंदी में बोल रहा। भाई मेरी थोड़ी हरियाणवी एसेंट है, तो भाई कुछ नहीं चल, सब चलता है भाई, सब चलता है। कॉन्फ्रेंस देख लो, कॉन्फ्रेंस होती है ना, सारे बोर्ड के प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट बैठे होते हैं, तो भाई उसमें भी भाई मैं हिंदी में बोले जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जज नहीं करने वाला तुम्हारी लैंग्वेज के ऊपर, बट जो कंटेंट दे रहे हो ना उस पर बहुत मैटर करता है। हम गए थे TS एंट्री के लिए। TS एंट्री में क्या है, सबके मन में होती है दो तीन रिकमेंड होते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरा ग्रुप था 10-10 के, तीन ग्रुप बने थे, 30 बंदे थे, तो भाई मेरे ग्रुप में थे 4 रिकमेंडेड बंदे और सारे रिपीटर थे। तो भाई मैटर्स कि कैसे परफॉर्म करें भाई GTO के अंदर, समझ लो एकदम। ऐसे नहीं कि बंदे बोले जा रहे हैं, रिकमेंडेड बोले जा रहे हैं, बट भाई कोऑपरेटिव करने का, कोऑपरेशन होता है ना सबके साथ, कोऑपरेट करके एकदम। PGT सारे ग्रुप टास्क होते हैं ना, तो ग्रुप टास्क किस लिए है, बस ग्रुप के साथ चलना होता है। GOR में सबका हेल्प करके मतलब पार कराना होता है ऑब्स्टिकल, सब चीज़ें ना, बस ये मायने रखता है कि कैसे। तो भाई अब मेरा ज्ञान बांटने का टाइम आ गया है, तो एक अकेली चीज़ है कि ना कोई भी कैसा भी टास्क जाए ना, डीमोरलाइज नहीं होना उससे। जैसे मेरे को ना इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में बोला था, जैसे GTO इंस्ट्रक्शन दी, नेक्स्ट पे दूसरा बंदा आगे खड़ा जाओ और सिटी पे खत्म हो गया तुम्हारा 3 मिनट, तुम बैठ जाओ। मैंने नहीं सुनी, जब GTO ने सिटी बजा दी, मैं उसके बाद भी 4 ऑब्स्टिकल कर लिए, है तो भारी गलती। पर फिर उससे ना आगे का कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। होगी गलती, होगी, अगले वाले टास्क पे फोकस करो। तो ऐसे ही है, मस्त रहो अपने, होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा अगली बार हो जाएगा। ये बेस्ट है, वेरी गुड टिप्स। और भाई ये बात सही है, अगर एक टास्क खराब हो जाए ना, तो अगले खराब होने मत दो भाई, हो गया बात खत्म वहीं पे बैठ दो, इसी स्थिति से कुछ भी हो। एक 25 चेस्ट नंबर था, तो उसने उससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए बहुत सारे, तो उसने सारे रेडी करे वो क्वेश्चन, मतलब 2 घंटे रात को पढ़ा, दो घंटे सुबह पढ़ा वो, और कॉन्फ्रेंस मैं कहता हूँ, मैं मसाला डालता हूँ भाई। पता है उसका बाप था भी पुलिस में, तो भाई क्या बात हो गई, उससे ना इंटरव्यू में कुछ पूछ लिया होगा भाई उसका, मतलब कॉन्स्टेबल SP कुछ भी हायर पुलिस का पूछ लिया, लेकिन भाई उसको आया नहीं, तो भाई बंदा इतना डिमोरलाइज हो गया। हम मतलब कॉन्फ्रेंस थे अगले दिन, पूरे टाइम बकचोदी कर रहे थे भाई, बंदा बाहर नहीं निकला, मतलब पूरे नोट्स वोट्स है ना ट्रॉली में से निकाल लिए, भैंसो ये छूट कैसे गया, मैं बोल क्यों नहीं पाया भाई। बंदा एकदम मतलब पूरे भाई घंटे दो घंटे रटता रहा, लेकिन भाई अगले दिन बंदा सरप्राइज हो गया, पता है कैसे, हो गया कॉन्फ्रेंस में
कॉन्फ्रेंस में पूछा हाउ इज योर स्टे, कैसा लगा तुम्हें, हाउ वाज द फूड, ओके जेंटलमैन थैंक यू। भाई बंदा मतलब क्या बताऊं, ब्लास्ट हो गया अंदर से, ब्लास्ट खत्म। और भाई मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, मुझे पता चला है कि चक्रपाणी की भी SSB 18 सितंबर को कोलकाता है और कोइंसिडेंटली मेरी भी वहीं पे है, तो हम दोनों वहाँ पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। हम दोनों प्लान कर रहे हैं कि फुल बकचोदी करेंगे, जो भी हमारे बैच में आएगा उसके साथ नहीं नहीं आउट आउट जो भी, वो तो भाई वो उसकी मेंटेलिटी पे है, वो सोचेगा बैंड करवाने आए हैं, तो बस वो तो उसकी मेंटेलिटी में, बाकी हम बकचोदी करने जाएंगे। किसी को भी हमारी जर्नी में इंक्लूड होना है तो खुद की SSB अगर 12 सितंबर को, तो 18 सितंबर करवा सकता है, हमारे जर्नी का हिस्सा बनना चाहता है तो बन सकता है। आंटी को नहीं देखने दे रहे अंकल जी। अंकल भाई राहुल, क्या है राहुल में, क्या है राहुल में, लप्पू सा तो राहुल है। राहुल ब्रो, ब्रो राहुल, राहुल यहाँ पे देखो, लुक हियर, व्हाट इज गोइंग ऑन, झिंगूर जैसी शक्ल है। नथिंग नथिंग, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, ऑल गुड, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। Why? Why did so? Why you are so happy? Quality content. There is a very naughty movie going in front of us. And one uncle playing it. We are enjoying it. Guys, यो छोर अबे जगह हमने कुछ खाना लाने के लिए और ये ऐसे चिप्स लाया 20 रुपए के, ये चिप्स दिए थोड़े से और थे वो खा गया। क्या था भाई यो? कुछ बढ़िया लिया और क्या था यो? रकम है बहुत बड़ी। बिका जी कौन दिखने लग रहा है? बिका जी कंपनी खराब है भाई। ये वही अंकल है, कंप्लेंट फाइल कर दी है, ये चिप्स आया है उठाने और हम आ गए दिल्ली। चल उतरना को नहीं, जाना नहीं, चल को नहीं, के हो गया, आ जा दिल्ली आएगी, खड़ा हो ले भाई। भाई इट्स दिल्ली ऑलमोस्ट, 1 किलोमीटर बाकी है, तीनों लौंडे दिल्ली आ गए हैं। हाँ तू उठाया तू तो हमने पैसेंजर थे लड़कियाँ सब कोऑपरेटिव था। गाइस पूरा कोच बुक करवा दिया था, पूरी ट्रेन अपनी है, सिस्टम ओ भाई साहब सिस्टम थे हो गया इतना लागे जाता भाई आज। तो एक नाक बंद हो गया, एक नाक खुला है, क्यों गया राहुल? रिकमेंडेशन के बाद ऐसे भी होता है। कैसे रही ट्रिप भाई आपकी? बढ़िया रही। कह रहे आप मजे आए भोपाल? भोपाल मौज काटी पहली बार है? पहला टाइम था आपका भोपाल में? ना मेरा भोपाल में दूसरा था, पहली बार में कॉन्फ्रेंस हुआ था। गाइस मैंने भी स्ट्रिक तोड़ दी, गाइस मैंने भी स्ट्रिक तोड़ दी है भोपाल की, दो बार गया था, दोनों बार स्क्रीन आउट था, और पहला स्क्रीन आउट 21 SSB था और अब की बार 21 SSB से ही रेकमेंड हुआ हूँ, तो बदला भी पूरा हुआ। अपने न्यू दिल्ली जंक्शन प्लेटफॉर्म 1 शताब्दी में पहुँच गया और यो भाई अपना जा रहा है अभी, ये बस में जाएगा, मैं सुबह ट्रेन में जाऊँगा, ये भाई अभी बस में जाएगा, ये भाई भी ट्रेन में जाएगा। तो ये कि व्लॉग को अभी बस ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे हैं, थोड़ा हमारी जर्नी हो गई यहाँ पे एंड। हाँ जी साहब, हम दोनों तो मिल जाएंगे अगली SSB हमारी है 18 सितंबर को, और भाई से मैं मिल जाऊंगा, मेडिकल में मिलेंगे, हम मेडिकल में मिलेंगे भाई से, SSB में मिलेंगे नेक्स्ट। बहुत मजे किए हमने, बहुत याद आएंगे ये, बिल्कुल अच्छा मेमोरी बनाई हमने, SSB अच्छा था और बैच अच्छा था और बंदे अच्छे थे। तो ठीक है गाइस, सी यू ऑल गाइस, बाय, पीस।